आस्था सड़क की ट्रेन में रहेगा मंदिर। सफर के दौरान भजन कीर्तन करेंगे यात्री। 15 अक्टूबर को सहरसा से वैष्णो देवी तक जाएगी आस्था स्पेशल ट्रेन। समस्तीपुर रेल मंडल के सहरसा से पहली बार 15 अक्टूबर को वैष्णो देवी यात्रा के लिए आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। IRCTC द्वारा खोली गई इस सेल में मंदिर की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रा के दौरान सुबह शाम यात्री भजन कीर्तन कर पाएंगे। हर कोच में भजन सुनने के लिए लाउड स्पीकर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे मंदिर में हो रही आरती व भजन को यात्री सुन पाएंगे। IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि इस ट्रेन में कोसी सहित अन्य जगहों के लोग वैष्णो देवी, हर की पौड़ी और राम लक्ष्मण झूला का दर्शन कर पाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर ट्रेन में सुरक्षा कर्मी और सफाई के लिए हाउस कीपिंग के लोग भी तैनात होंगे। भारत दर्शन ट्रेन जाती है, इसका नाम आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन होती है। ये सब्सिडाइज रेट पे चलती है ट्रेन, जहाँ से मेन उद्देश्य यही होता है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह दर्शन कराया जाए, मंदिरों के दर्शन कराए जाए, जिससे लोग जो है कल्चर से एक दूसरे कल्चर से अवेयर हो सके और सस्ते दर से कराया जाए, आम लोग जो है अधिक से अधिक लोग इस पर जा सके, यही प्रयास होता है भारत सरकार का। इसी क्रम में जो है इस बार बहुत डिमांड आया था सहरसा से, तो सहरसा से पहली बार हम लोग माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा करवा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि हम जब सहरसा से ट्रेन चला रहे हैं। इस रूट में तो काफ़ी ट्रेन चली हैं, लेकिन सहरसा से पहली बार ट्रेन चल रही है, और ये सहरसा होते हुए खगड़िया, बरौनी, समस्तीपुर, उसके बाद आपको दरभंगा, ये सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर होते हुए ये फिर जाएगी ट्रेन, जो भ्रमण जो टूरिस्ट के बोर्डिंग स्टेशन है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, बोर्डिंग स्टेशन जो यहाँ सहरसा जंक्शन है, खगड़िया जंक्शन है, बरौनी जंक्शन है, उसके बाद आपको समस्तीपुर जंक्शन है, दरभंगा जंक्शन है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है, पाटलिपुत्र जंक्शन है, आरा, बक्सर, ये सब जगहों पर ये गाड़ी रुकेगी, और जब वापस आएगी तो इसी सब जगहों पर गाड़ी वापस रुकेगी, जहाँ लोग डिवोट कर सकें। तो बोर्डिंग और डिबोर्डिंग के समय में हमारे ऑफिसर अवेलेबल रहेंगे हर स्टेशन में, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं। ये पैकेज जो है 7 रात और 8 दिन का पैकेज है, और ये 15 अक्टूबर को सहरसा से चलेगी, और ये बहुत सही समय है माता वैष्णो देवी दर्शन के, मौसम भी बहुत अनुकूल है, और तो ये बड़ा अच्छा समय, शुभ समय के दशहरा के बाद ही हम लोग इसकी यात्रा करवा रहे हैं। इसका जो कॉस्ट है ये है 7 रात और 8 दिन का, इसका जो कॉस्ट है 7,551 रुपये, 7,551 रुपये का। आस्था स्पेशल ट्रेन का किराया रखा गया है 7,551 रुपये। इस पैकेज में यात्रियों के लिए रहना, खाना और उनके घूमने की पूरी व्यवस्था इंक्लूड की गई है। सबसे खास बात ये कि आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन सहरसा से खुलकर खगड़िया, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र जंक्शन होते हुए आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकेगी। यात्री ट्रेन पर अपने निर्धारित सीट पर जा सकेंगे। रेल मंत्रालय ने कम खर्च पर लोगों को देश की हर सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों से जोड़ने के लिए ये विशेष सेवा शुरू की है। समस्तीपुर से प्रवेश सोनू की रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर नेशन।